दोस्तों, मैं आपका साथी संदीप सपोर्ट ह्यूमैनिटी से। मैं हूँ डी टाइप पार पांडव नगर में। धूप बहुत है पर काम तो करना है ना। 70 साल है इन बाबा की उम्र। पांडव नगर डी टाइप पार्क में अखबार बेचते हैं। बाबा जी, वहाँ से यहाँ क्यों हो गए? गर्मी हो रही है, गर्मी लग रही है। तो रोज आप अखबार बेचते हैं यहाँ पे? हैं तो कुछ हो जाता है, कुछ खर्चा पानी निकल जाता है? नहीं निकलता कुछ, जेब से जाता है। ये देखा कि मेहनत कर रहे हो अभी भी इस उम्र में। बात करना, जैसे खाना जरूरी है, बहुत अच्छी जरूरी है आदमी के लिए जी। हवा पानी जरूरी है, वैसे काम भी जरूरी है जी। लेकिन इतनी कड़ी धूप थी वहाँ पे, काफी धूप थी, पर आप वहाँ से उठ के आप यहाँ चल दिए। मैंने कई दिन पहले भी देखा है आप यहाँ अखबार देखते हो। उम्र कितनी है आपकी? 5 जुलाई 1954 के हिसाब से। अच्छा जी, 5 जुलाई 1954 हो गया तो 46 हो गई और 23 ही हो गई। 69 क्या 70 साल मान लो। ओरिजिनल बात आ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? और बच्चा बारह इंजीनियर है जी, रेलवे में नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में। अच्छा जी, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में इंजीनियर। रेलवे तो एक बेटा है? एक बेटा है, एक मर गया। अच्छा जी, गलत सोबत में चला गया। अच्छा जी, शराब दारू वारू वगैरह। हाँ जी, क्योंकि मैं मर गया, गाड़ी ली उसके लिए, बेटे नहीं ली मैंने लाई। हाँ जी, नहीं मैंने ये देखा जो 70 साल की उम्र में आदमी, बहुत लोग हैं वो काम नहीं कर पाते। यहाँ काफी लोग बैठते हैं वो ठीक है, कोई रिटायर हो जाता है। उनकी गलत भाई, वो तो करना बनना है, वो तो भगवान ने कृपा है, हमने भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी है जी। चलता फिरता रहता है आदमी, बेटा ही करता है। तो बेटा नहीं कहता कि आप यहाँ मत करो काम वाम, आप मौज करो, मैं कमा रहा हूँ आपको? अरे मेरी बात सुनो, बेटा तो खुंदा खाता है शीशे, अखबार क्यों बेचता है, मेरी बदनामी होती है। अच्छा, तो लड़की की भी शादी हो गई है? अच्छा जी, लड़की को भी हायर एजुकेशन दिलाई। बहुत अच्छा। माता जी तो हमें खुद बुढ़े हैं, तो माता जी कहाँ से होंगी? जी जी जी, तो पिताजी हमारे 1.5 साल। नहीं, आपकी माता जी नहीं, मैं आपकी वाइफ की बात कर रहा हूँ। हमारी वाइफ? हाँ जी। वो तो जिंदा अच्छा। माता जी का खर्चा तो आपका 10,000 रुपये महीने का, दवाई दवाई का खर्चा डब्बा रहता है बड़ा हुआ। तो आप ये इससे क्या कमा लेते? इससे मतलब खाने के लिए कुछ नहीं, खाना पीना सब कुछ मेरे लिए, खाना पीना सब कुछ नहीं होता। अच्छा जी, तो बेटा ही करता है सब कुछ? बेटा ही करता है जी। मतलब मेरा मतलब पूछने का ये है कि बेटा आपकी सेवा करता है, आपको संभालता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको? कुछ नहीं, कोई मतलब बेटा कहता तू नहीं कुछ किया ही नहीं मेरे। वो बेटा कहता है कि आपने कुछ किया ही नहीं है? सुनो, बैंक से मैंने लोन लिया जी, RIC से मैंने लोन लिया जी, तब कहीं उसकी कोचिंग कराई। अच्छा जी, सड़कों में मैंने 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 घर वाले से मजदूरी नहीं कराई। अभी रहते कहाँ हैं आप? अभी मैं कोटला में रहता हूँ। कोटला में रहते हैं और यहाँ पे आके अखबार बेचते हैं आप? अखबार क्या बेचते हैं, अपनी सेवा है जाते। सेवा है, कोई अखबार ले गया पैसे खुले नहीं ले जा। अच्छा जी, वो पैसे 4 रुपए का अखबार होता है, 1 रुपया कमाना होता है। क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? क्या करोगे नाम? देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, हम बुजुर्गों को देखते हैं, जो आदमी इस उम्र में भी मेहनत कर रहा है तो वो। हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम सोते हैं। हम दारू पीते हैं, सोते हैं। नहीं नहीं, आप तो नहीं पीते आप। क्या शुभ नाम है आपका? चेनंद जी। चेनंद, और मैं जो चेनंद जी जो बुजुर्ग हैं, 70 साल करीब इनकी उम्र है, इनसे मैंने बात की है। ये डी टाइप पार पांडव नगर में अखबार बेचते हैं। तो मैंने पूछा कि आप आजीविका के लिए करते हैं या खर्चे के लिए आप ये करते हैं? इन्होंने कहा नहीं, और अपना खुद कमाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अखबार लेते हैं या किसी भी होकर से अखबार लेते हैं, तो मेरा कहना ये, आप आइए डी टाइप पार्क में, आप इनसे भी अखबार ले सकते हैं और इनकी इससे एक हेल्प भी होगी और ये अपना कमा भी सकते हैं और अपनी खुद से अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है, ये जो है काम कर रहे हैं, ये कोई बिल्डिंग बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए ये अखबार नहीं बेच रहे, बस सिर्फ एक खुददारी है और खुद कमाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने इनका वीडियो बनाया, और अक्सर हम बुजुर्गों का वीडियो बनाते हैं जो 70 साल की उम्र में भी अगर ये काम कर रहे हैं। एक बेटा इंजीनियर है इनका, गुवाहाटी में पोस्टेड है, और ऐसा नहीं है, बेटा इनकी मदद भी करता है, पर फिर भी ये खुद कमाना चाहते हैं।